हाय फ्रेंड्स, मुंबई किचन में आपका बहुत बहुत दिल से स्वागत है। यह है चीज़ प्लैटर, मतलब एक ही डिश में चीज़ के तीन अलग अलग स्टार्टर्स। इसमें से चीज़ बॉल्स और चीज़ चिली की रेसिपी मैंने पहले दो वीडियोस में आपके साथ शेयर की थी। चलिए आज हम देखते हैं चीज़ मोमोज, और ये तंदूरी चीज़ मोमोज हैं। पहले स्टफिंग बना लेते हैं। उसके लिए एक बोल में मैंने 4 चम्मच दही लिया है, और ये दही जितना गाढ़ा हो उतना अच्छा है। उसमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं होना चाहिए। इसके बाद हम इसमें डालेंगे अदरक, लहसुन और चिल्ली का 1 चम्मच जितना पेस्ट। फिर 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डालते हैं, 1 चम्मच धनिया और जीरे का पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला, थोड़ी सी कसूरी मेथी, नमक टेस्ट के अनुसार, थोड़ा सा नींबू का रस। इन सबको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेना है। उसके बाद मेरे पास कुछ कटी हुई सब्जियां हैं, जैसे थोड़ा सा कैबेज है, 1 कटी हुई शिमला मिर्च है और 1 कटा हुआ गाजर है। ये सब हम इसमें डाल देते हैं। थोड़े से पनीर क्यूब्स डाल देते हैं और इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये सब मिक्स हो जाने के बाद इसे कम से कम 15 मिनट के लिए फ्रिज में रखना है। अब हम मोमोज के कवर के लिए डो बना लेते हैं। इसके लिए मैंने 1 कप मैदा लिया है, उसमें थोड़ा सा नमक डालते हैं, थोड़ा सा अजवाइन, हाथ पे ही क्रश करके थोड़ा सा अजवाइन इसमें डाल देते हैं। उसके बाद थोड़ा सा तेल, और इन ड्राई चीज़ों को थोड़ा अच्छे से पहले मिला लेते हैं ताकि तेल अच्छे से मैदे में लग जाए। फिर थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक अच्छा गाढ़ा डो गून लेते हैं। इसका एक फर्म डो बन जाने के बाद इसको भी कवर करके साइड में रख देते हैं। चलिए अब स्टफिंग बनाने के लिए एक पैन में थोड़ा सा तेल गरम कर लेते हैं, और जो फ्रीज़र में रखा हुआ स्टफिंग था उसे हम ये पैन में डाल देते हैं। और ये स्टफिंग अच्छे से ड्राई होने तक इसे चला लेना है। पानी बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए, नहीं तो हमारे मोमोज अंदर से सॉफ्ट हो जाएंगे। अच्छा ड्राई होने तक इसे चला लेना है। अब ये ड्राई हो चुका है। अब मोमोज बनाने के लिए जो हमने डो बनाया था उसको थोड़ा सा फिर से गूंद लेते हैं। उसके बाद एक लेमन साइज जितना बॉल लेना है इसका, और छोटी पूरी बना लेनी है। बहुत पतली नहीं करनी है, थोड़ी सी थिक ही रखनी है। ऐसी 4-5 पूरियां पहले बना लेते हैं। उसके बाद स्टफिंग में थोड़े से चीज़ क्यूब डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर मोमोज बनाने लेते हैं। इसके लिए मैंने थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर का पेस्ट लिया है, जो साइड में हम लगाएंगे ताकि मोमोज अच्छे से चिपक जाए। फिर बीच में इसे स्टफिंग को डाल देते हैं, और जैसे मैं दिखा रही हूँ उस तरीके से मोमोज को हम शेप दे सकते हैं। ये एक मोमो का टाइप मैं आपको इसमें दिखा रही हूँ। आप मेरे चैनल में मुंबई किचन में जाके वहाँ पे ट्राई कलर मोमोज करके एक वीडियो है, वो वीडियो में मैंने मोमोज के बहुत सारे पैटर्न्स दिखाए हैं। 3-4 अलग अलग टाइप के मोमोज मैंने दिखाए हैं। आप एक बार वो वीडियो देखेंगे तो आपको आइडिया आ जाएगा कि कैसे अलग अलग तरीके से मोमोज बना सकते हैं। चलिए पहले टाइप का मोमो हमारा रेडी हो चुका है ऑलमोस्ट। इसी तरह से बाकी सारे मोमोज हम तैयार कर लेंगे। करीबन 9 से 10 तक मोमोज बनते हैं जो मैंने बताया है इसमें। अब ये मोमोज को हम अच्छे से डीप फ्राई कर लेते हैं। गैस का फ्लेम मीडियम रखना है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखना है, नहीं तो मोमोज ऊपर से काले पड़ जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। मीडियम फ्लेम पे तेल थोड़ा थोड़ा ऊपर से डाल के इसे अच्छे से फ्राई कर लेना है। डार्क गोल्डन ब्राउन कलर आने तक इसे अच्छे से फ्राई कर लेना है। देखिए इस तरह का कलर इसमें आना चाहिए। इसी तरह से अपने सारे मोमोज फ्राई कर लीजिए।
और शेजवान चटनी या फिर तंदूरी मेयोनीज, जो भी डिप आपको पसंद है उस डिप के साथ इसे सर्व कीजिए। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे के रेड सब्सक्राइब आइकॉन पर क्लिक कीजिए और बाजू के बेल आइकॉन पर भी क्लिक कीजिए, तो आने वाले सारे वीडियोज़ के अपडेट्स आपको मिलेंगे।